नमस्कार, मैं हूं दीक्षा चौधरी। स्वागत है आपका हमारे चैनल समर्थ सहारा में। आज हम आपको प्रदेश की सभी छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में दमोह सांसद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें एक व्यक्ति ऑक्सीजन मांग रहा था तो मंत्री जी ने उसे दो मारने की बात बोली थी। अब एक वीडियो जारी हुआ इन्हीं मंत्री के छोटे भाई नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह के पुत्र मोनू का, जिसमें प्रभारी कलेक्टर भरत यादव पर कोरोना की दवाइयों को ब्लैक में बिकवाना और आंकड़ों में हेराफेरी करने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश अस्वस्थ थे तो प्रभारी कलेक्टर भरत यादव आए, जिसकी कार्यप्रणाली से मोनू पटेल बहुत नाराज हुए। ये सत्य है लेकिन कड़वा है, लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आपकी सरकार है, पिताजी विधायक हैं, बड़े पिताजी केंद्रीय मंत्री हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो रही है, एक्जेशन की कालाबाजारी हो रही है, सिस्टम क्यों फेल है? सिस्टम इसलिए फेल हो रहा है क्योंकि संसाधन नहीं है। अब हमने आज सरकार के खिलाफ बोला तो लोगों को लग रहा है कि हम सरकार के खिलाफ जा रहे हैं। हम अपनी सरकार से ही तो विनती करेंगे ना। हमारे जिले में ये हालत हो रही है कि लोग गलत आंकड़े बता रहे हैं, प्रशासन गलत आंकड़ा बता रहे हैं। तो बताने का कारण लोग इसलिए नहीं बता रहे शायद कि लोग पैनिक ना हो। पैनिक तो वैसे ही हैं लोग, परेशान तो वैसे ही हैं लोग। तो मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि हमको सही आंकड़े बताने चाहिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन, आपका ऑक्सीजन, हम लोगों को बाहर मना कर दिया जाता है। यदि हम जबलपुर जाते हैं तो जबलपुर में बोलते हैं कि हमको कलेक्टर ने मना किया है कि हम पहले ऑक्सीजन अपने जिलों के देंगे, हमारे जिले को नहीं देंगे। हमारे जिला क्यों अलग से माना जा रहा है ऐसा? हमारे यहाँ इतनी कंडीशन ख़राब है, हमारे गोटे गांव में दो दिन से 60 मरीज एडमिट है। दो दिन में सिर्फ 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन दिए गए। बगल में हमारे नरसिंहपुर जबलपुर जिला है, भोपाल है, रायसेन है, इनको 1,500 इंजेक्शन दिए जा रहे क्योंकि वो महानगर है, स्मार्ट सिटी है। हमारा जिला छोटा नहीं है, 11 लाख की आबादी है हमारे जिले में। हम लोग तो इतना बेबस लाचार हो रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा हम करें तो करें क्या। हमारे पापा जी जो विधायक नरसिंहपुर हैं, हमारे बड़े पापा केंद्रीय मंत्री हैं, हम लोग सब मेहनत कर रहे हैं सब, लेकिन हम क्या करें जब संसाधन नहीं मिल रहे, लोगों के लिए हम कुछ कर नहीं पा रहे। लोगों की मदद में क्या परेशानी हो रही है? शमशान घाट का सच सरकार ने नहीं देख पा रही है क्योंकि मौतें आपके जिले में रोज हो रही हैं। कहाँ चूक हो रही है? गलत आंकड़े बता रहे हैं इसलिए चूक हो रही है। हम एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं जिसकी आबादी 55,000 होगी, और जो मरघट का रास्ता जाता है वो मेरे घर के सामने से होते हुए जाता है। ये मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ और रोज ही देखता हूँ। कम से कम 10 मौतें तो होती है और मेरे घर के सामने से मिट्टी जाती है। जिला प्रशासन के कार्यों को कैसे देखते हैं आप? इस तरह लिखने से आपकी सरकार और आपके परिवार के जनप्रतिनिधियों की छवि खबर से क्या असर होगा? नहीं, हमारी छवि और ना हमारी परिवार की कोई छवि धूमिल नहीं हो रही। हम जितना कर सकते हैं, हम अब ग्राउंड लेवल पे हम रोज काम करते हैं। हमको इसलिए दुख होता, देख रहे हैं हमारी क्यों छवि खराब होगी, हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं और जहाँ तक बन पड़ेगा हम करेंगे। और रही प्रशासन की बात नरसिंहपुर जिले की, तो वो कालाबाजारी करवा रहे हैं क्योंकि इंजेक्शन कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं लोगों को, कहाँ से आप 20,000 25,000। कल एक महिला आई थी, उसने मेरे को बताया कि 24,000 में जिला अस्पताल से इंजेक्शन खरीद के लाई है वो। तो ये कहाँ से आ रहे हैं इंजेक्शन आपके पास? आप कह रहे हैं हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आपके पास सब है, बस आप उसको कमाने में लगे हुए। CHMO हो गए हमारे, यही मतलब आप समझो, लोगों की जान बचाओ, मानव सेवा तो करो। कब तक आप इन सब चीज़ों को लेकर ढोगे? कब तक आप लोगों की बददुआएं लोगे? कम से कम कुछ एक बार अपना अच्छा कुछ करके दिखाएं कुछ अच्छा जिले के लिए। लेकिन एक बात मुझे समझ में अभी भी नहीं आती है कि जिला प्रशासन क्यों झूठ बोल रहा है। सारी चीज़ें हैं, सिर्फ ऑक्सीजन रेमडेसिविर की कमी है। कलेक्टर साहब से मेरी विनती है, मुख्यमंत्री सर से मेरी विनती है, PM से, मेरे जिले की तरफ ध्यान दें। यहाँ बहुत हाहाकार मचा हुआ है। रोज़ कम से कम हमारे ज़िले में रोज़ कम से कम 50 मौतें होती हैं। ये सिर्फ अपने मैं गोटे गांव का बताया था जहां 10 होती हैं, बाकी पूरे ज़िले में कम से कम 50 मौतें होती हैं, जिसमें कि ये लिखा नहीं जाता है कि ये कोविड मरीज है। क्यों नहीं लिखा जा रहा है कि कोविड मरीज है? क्योंकि आंकड़े आप गलत बता रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ इस खबर में इतना ही। बाकी प्रदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।